कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शशि थरूर काबिल आदमी हैं और अपने फन से माहिर होंगे। यूएन में उनका कैंपेन सबने देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो सबसे उपयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे है। 50 साल में कांग्रेस पार्टी को कोई दलित नेता अध्यक्ष पद के लिए तौर पर नहीं पर मिलेगा। और गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच एक तरफा मुकाबला है, खड़गे चुनाव जीतेंगे, ये एक तरीके से फ्रेंडली मैच है। हम सबका मकसद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। शशि थरूर बता दें कि एलटी क्लास के व्यक्ति हैं, लेकिन खड़गे उसी सोच भावना के नेता हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और डेलीगेट्स चुने हुए हैं। 50 साल के बाद में कांग्रेस में कुछ दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है तो सब जगह वेलकम हो रहा हूँ उनका। शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वो अपने फन में मास्टर हो सकते हैं, पर कांग्रेस संगठन को कार्यकर्ता क्या सोचता है, ब्लॉक बूथ डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा। संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब ने, उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते जो खड़गे साहब जिस ढंग के हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत हो। राजस्थान के सियासी संकट पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के सियासी संकट पर स्टडी होनी चाहिए, हाईकमान के हिसाब से जो पर्यवेक्षक काम करे। और इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों ने मेरा साथ दिया और विधायक मुझे अपना अभिभावक मानते हैं, विधायकों ने जनादेश बचाने में योगदान दिया। मैं तो देखता हूं कि जो 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 काम होते जाए कदम से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने तो जाके सोनिया गांधी जी कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग, ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के ब्याह पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करें, विश्वास प्रकट करें कांग्रेस अध्यक्ष पर। यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने जा सकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग, जब हमारे पीसी पैर ने उनको कहा एमएलएज को जाके कि भाई आप चलो एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने दृष्टि भी दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दूतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का, नहीं भरे फॉर्म कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली आ रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ, इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से। जयपुर जिले के सामौत थाना इलाके के बंदौल घाटी में महामाया मंदिर के पास सार्वजनिक प्याऊ की भूमि का बता दें जिन एक बार फिर से निकल के आ गया है।